नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारे गिर गाय का दूध जो है बहुत पतला है, तो उसके दोस्तों हम दूध को किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसके दूध की जो पतला है उसे मोटा हम किस तरह कर सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने गिर गाय के दूध को भी बढ़ा सकते हैं और उसके दूध को मोटा भी कर सकते हैं, जो दोस्तों बिल्कुल नेचुरल तरीका है। इसमें कोई किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या देना है दोस्तों, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कॉमेंट जरूर करें। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना। 50 ग्राम मेथी दाना दोस्तों हमें बारीक कर लेना है, यानी उसको गरगरा जैसे पीसा जाता है पीस लेना है। उसके बाद दोस्तों इसी में हमें लगभग सरसों का तेल 100 ग्राम लेना है। जो सरसों का तेल है दोस्तों ये आपके जो गिर गाय है उसके दूध को मोटा करेगा। अगर दोस्तों आप उस एसनेफ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप नमक भी डाल सकते हैं, जैसे 40 से 50 ग्राम नमक। नमक आप कोई भी ले सकते हैं, सफेद नमक, काला नमक कोई भी, या दोनों नमक आप डाल सकते हैं। उसका जो है 20 ग्राम काला नमक, 20 ग्राम सफेद नमक, इससे दोस्तों एसनेफ की मात्रा बढ़ेगी। और दोस्तों इसी में आपको चाहिए लगभग 300 ग्राम गुड़। गुड़ को भी आपको ऐड कर देना है। अब दाने की हम बात करते हैं तो दाने में दोस्तों आपको लेना है लगभग आधा केजी, यानी 500 ग्राम गेहूं लेना है, 500 ग्राम बाजरा लेना है। इन सबको मिक्स करके दोस्तों 2 लीटर पानी रख के आपको सबको मिला के पका लेना है। पकाने के बाद दोस्तों आपको शाम के समय देना है, यानी रात में जब चारा खा लेती है तो इसको पका लेना है सभी को डाल के। पहले 2 लीटर पानी डालना है, फिर आधा केजी जो गेहूं है, हो सके दोस्तों गेहूं को भी दलिया बना लें, और बाजरा है, बाजरा तो पक जाएगा, वो जो है जैसे चावल पक जाता है उसी तरह हो जाता है। गेहूं दोस्तों कठोर होता है, इसके लिए इसे थोड़ा बारीक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको गेहूं और बाजरे को डाल दीजिए, जब उबाल आ जाता है तो उसमें गुड़ डाल दीजिए, मेथी का दाना 50 ग्राम डाल दीजिए और 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, जो भी दोस्तों है सारी चीज उसमें मिक्स कर दीजिए, और 100 ग्राम जो तेल है वो भी आप डाल दीजिए। पक जाता है तो उसको उतार लें। उतारने के बाद दोस्तों जो आपकी पशु है शाम के समय उसको ठंडा करके खिला दें। इससे दोस्तों आपकी गाय भैंस जो भी गिर गाय है उसका जो दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध बढ़ेगा, और जो उसका दूध पतला है दूध भी मोटा होगा। चाहे आपकी गाय है या भैंस है, सब पर एक काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गाभिन पशु को नहीं देना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो हम गाभिन पशु को नहीं देंगे। अब बात आती है दोस्तों दूध पतले का, तो दोस्तों ये भी होता है जैसे हम अपने पशु को क्या खिला रहे हैं। अगर ज्यादा मात्रा में हरा चारा खिला रहे हैं तो भी दूध पतला देखने को मिलेगा, क्योंकि हरा चारा खिलाने से दोस्तों दूध तो बढ़ता है लेकिन दूध पतला हो जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो पशु ज्यादा दूध देती है उसका दूध पतला अधिकतर होता है, और उसके नस्ल और जाति पर डिपेंड करता है कि नस्ल कौन सी है, जाति कौन सी है, उस आधार पर भी दोस्तों उनका दूध जो है पतला होने लगता है। लेकिन हरा चारा की मात्रा अगर ज्यादा दे रहे हैं तो उसको कम कर देना है। फिर दोस्तों आप देखिए आपकी जो गाय है या भैंस है उसका दूध भी बढ़ेगा, और उसका दूध जो है मोटा भी होगा, और एसएनएफ की मात्रा भी बढ़ेगी। और हरा चारा में दोस्तों देखा जाता है जो चराई पर ले जाते हैं वो हरा चारा ज्यादा खाती हैं, ज्यादा चरती हैं, तो दूध पतला स्वाभाविक हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा एक पर्सनल अनुभव रहा है, अनुभव के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।